नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। खबर नरसिंहपुर के गोटे गांव से, जहां गोटे गांव के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम मुंगली प्राची देवी का आगमन हुआ। ग्राम मुंगली के नवीन तिवारी नरेश तिवारी के निज निवास पर, जिसमें ग्राम के सभी लोग मौजूद रहे। ग्राम के सभी लोगों ने प्राची देवी का बैंड बाजे एवं फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात श्री सिद्ध बाबा के मंदिर में पूजन अर्चन किया। प्राची देवी ने ग्राम के सभी बच्चे, बुजुर्ग एवं नारी शक्ति की कुशलता का परिचय देते हुए हमारी मीडिया टीम से बात करते हुए कहा कि कोरोना प्रकृति का प्रकोप है, इस महामारी से बचने के लिए भगवान का नाम और कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक है। देखिए, कलयुग चल रहा है और कलयुग के साथ साथ 2 साल से लगभग बहुत बड़ी महामारी, जिससे भारत नहीं सारा विश्व त्रस्त है, कोरोना COVID-19। तो मेरा सबसे यही कहना है कि कलयुग में तो भगवान नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कोविड के समय में जहां लॉकडाउन लग रहा है और ये और वो, तो उस समय में हम घर पे रहें और घर पे रह करके अपने समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, क्योंकि भगवान का भजन ही है जो इस महामारी से हमें मुक्त करा सकता है। देखिए, बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं, प्रकृति के साथ हमने काफ़ी छेड़छाड़ की है, हमें जो नहीं खाना चाहिए हमने वो भी खाया है, मांस भक्षण किया है, पेड़ों की कटाई की है और बहुत प्रदूषण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेदार समस्त मानव जाति है। और प्रकृति के साथ यदि हम धोखा करेंगे, प्रकृति के साथ यदि हम बुरा करेंगे, तो प्रकृति कैसे ना कैसे बदला तो लेगी। मुझे लगता है ये प्रकृति का प्रकोप है। हम और हमारे पूरे ग्रामवासी जी, आज दीदी का जो आगमन हुआ है वो इस संकट की विषय यह घड़ी है कि COVID-19 के चलते हुए और इस बरसात के मौसम में बारिश ना होने के कारण आज दीदी का आगमन यहाँ हमारे घर पर गांव में हुआ। हम यही सोचते हैं कि आज उनका आशीर्वाद हम सभी पर, हम पर, गांव वालों पर बना रहे।